तो अभी हम अपने इस डेटाबेस के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर को भी ऐड कराना सीखेंगे। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें ऐड न्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से एक एडमिशन हो पा रहा है इसके अंदर। ये देखिए मैं न्यू किया, यहाँ से एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसका फुल नाम डाल दिया, जैसे मोहम्मद तैयब, फादर से हम डाल दिया रमज़ान भाई, और डेट ऑफ बर्थ डाल दी इसकी, डेट ऑफ एडमिशन डाल दी इसकी, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया इसको, जेंडर लिख दिया हमने इसका यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस लिख दिया हमने इसका, चलो खैर सेट क्लास में हमने इसको थ्री क्लास में एडमिशन कर दिया। क्लास स्कूल इसका हमने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ले लिया, और यहाँ से सेव कर दिया। डबल क्लिक करके इसका एक फ़ोटो भी लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ओके कर दिया। ये हमने इसके ऊपर एक फ़ोटो भी इसके ऊपर लगा दिया। अब इसकी फ़ीस रिसीव करी हमने, फ़ीस रिसीव करी तो न्यू फ़ीस रजिस्टर पे क्लिक किया, न्यू किया, एक नई रसीद बन गई, आज की तारीख आ गई, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ क्लिक किया, टाइप हमने बताया इसके एडमिशन, कितनी फ़ीस चार्ज करी, फ़ीस लिख दिया, किसने रिसीव करी उसका नाम लिख दिया, सेव कर दिया। ये इसकी फ़ीस की एंट्री भी हो गई। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें ऑल स्टूडेंट का डेटा मिल रहा है, ठीक है, ये भैया का डेटा आ गया। और अगर हम यहाँ पे रसीद देखना चाह रहे हैं ऑल स्टूडेंट शीट की, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये इसकी भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब रसीद हमने नहीं बनाई है, चलो रसीद नेक्स्ट में बनाएंगे। अभी हम अटेंडेंस रजिस्टर का काम कर लेते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए क्रिएट करेंगे टेबल, सेव करेंगे, उसका नाम रख लेते हैं अटेंडेंस, ठीक है, ओके कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, अटेंडेंस में डिज़ाइन व्यू में जाएंगे यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ पे जो ऑटो नंबर आ रहा है ना इसको हटा देंगे, ऑटो नंबर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम करेंगे लुकअप विज़र्ड। अब ये पहले हटाना पड़ेगा यहाँ से, शॉर्ट टेक्स्ट कर लेते हैं, लुकअप विज़र्ड करेंगे, और यहाँ पे डेटा कॉल करेंगे जिसकी अटेंडेंस लगानी है उससे रिलेटेड। तो उसका डेटा हमें मिलेगा कौन से वाले टेबल में मिलेगा, स्टूडेंट PBL इन्फो में नेक्स्ट करेंगे, उस बच्चे का नाम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और उसको फिनिश करेंगे। दूसरा डेटा कॉल करेंगे कि भाई ये बच्चा जो है कौन सी क्लास का है, कहीं अटेंडेंस डायरेक्ट लगा लेते हैं, क्लास तो वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी उसमें। अच्छा भाई किस तारीख को की अटेंडेंस है, तो यहाँ पे हमने लिख दी डेट ऑफ अटेंडेंस, डेट, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे स्टूडेंट डेट पे आपने सेलेक्ट कर लिया डेट एंड टाइम, डिफ़ॉल्ट पे रख दिया डेट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे, तो स्टूडेंट का नाम यहाँ से सेलेक्ट होगा, डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आएगा स्टेटस, तो यहाँ पे स्टेटस हमारे पास क्रिएट कर देते हैं एक और टेबल को, यहाँ पे हम स्पेस करते हैं अटेंडेंस स्टेटस, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको डिज़ाइन व्यू में ले जाते हैं इस टेबल को, और यहाँ पे स्टेटस शो कर देते हैं, इसके अंदर डेटा डाल देते हैं हम, एक हमारे पास होगा प्रेजेंट का, एब्सेंट का, लीव का, हॉलीडे का, संडे का, और भी अगर कोई होते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे ईद, कौन सी ईद होती है बताइए, एक ईद लिख लेते हैं, ईद की जो छुट्टियां आती हैं बकरा ईद की छुट्टियां आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बड़ी ईद कहते हैं, और जुल हज, ईद उल हज, चलो बकरा ईद लिख देते हैं, ठीक है। 14 अगस्त की छुट्टी डाल देते हैं, 14 अगस्त यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लेबर डे की छुट्टी होती है, 1 फरवरी की होती है, 5 को होती है, लेबर डे लिख देते हैं बस, खुद ही आ जाएगा लेबर। 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कर देते हैं, डिपेंडेंस, ठीक है। और कौन सी होती है, आशूरे की छुट्टी होती है, ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी होती है,
सेव कर दो। अब ये जो है यहाँ पे स्टेटस को यहाँ पे ले लेंगे, स्टेटस और यहाँ पे क्लिक करके लुक ऑफ विजर्ड पर जाएंगे। आई विल टाइप इन वैल्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टेटस को ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स लगा देंगे अगर कोई इसमें बच्चे के कोई रिमार्क्स देने, यहाँ से इसको लुक रिमार्क्स को लॉन्ग टेक्स्ट पर डाल देंगे। अब इसका फॉर्म बना लेंगे, तो अटेंडेंस पे क्लिक करके क्रिएट फॉर्म विजर्ड पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और ये अटेंडेंस फॉर्म। यहाँ पे राइट बटन दबा के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाके न्यू करेंगे, न्यू करेंगे, फिनिश करेंगे, सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, हो गया। अब यहाँ से हम अटेंडेंस का फॉर्म लेंगे, जिस बच्चे की अटेंडेंस लगानी है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेट आ जाएगी ऑटोमेटिकली और यहाँ पे स्टाफ्स लगा देंगे। सही है, तो डेली अब अटेंडेंस लगती रहेगी और डेटा अटेंडेंस में जाता रहेगा। समझ में आई बात? इस तरह से हम अटेंडेंस का भी मामला कर लेंगे।